टेक्निकल सपोर्ट पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये SMPS क्या हो रहा है, फैन घूम रहा है, फैन मदरबोर्ड का फैन भी घूम रहा है परंतु डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने खोल के रखा, देखिएगा। देखिए ए वाला कैपेसिटर जो है, देखिए कैपेसिटर एक ए वाला तो थोड़ा सा देखिए फूल चुका है, ये वाला, और हार्ड भी हो चुका है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और चेंज करके देखते हैं रिपेयर होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, हमने खोल दिया इसको। खोलने के बाद देखिए ए वाला कैपेसिटर जो है वो मीटर से बीप नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज स्टोर करके नहीं रखा है। तो चलिए इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके देखेंगे। ये बीप दे रहा है, इसको हम चेंज करेंगे, करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुआ कि नहीं। और ये वाला कैपेसिटर देखिए, खोल के देखिए कैपेसिटर है, उसका लिक्विड इसका निकल गया। तो चलिए अलग से लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ओके होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये वाला पिछले वाला है और नया एक लगाया दिया हमने, देखिएगा। ये वाला एक लगा दिया, लगाने के बाद अभी देखिए लगा के ये मदरबोर्ड में लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके होता है कि नहीं। भी मदरबोर्ड का फैन है वो भी घूम रहा था, फिर भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है। ये कैपेसिटर चेंज किया, देखिए ये वाला हमने USB लगा दिया, USB से लेकर देखिए यहाँ तक आया है। और देखिए इसका लाइट जल रहा है, देखिए देखिए बंद हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या ऐसे कैपेसिटर चेंज किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। तो देख लीजिए ये वाला SMPS है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बहुत दिन बाद ये हमने वीडियो डाला, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।